तो भाई जैसा कि आपके भाई ने कहा था कि इंडिया ये सीरीज 2-1 से जीतेगी और पहला मैच अब जीत चुके हैं, मतलब कि इंग्लैंड वालों को तो इसको कहते हैं हाथ पांव फूल के रहेंगे, समझ नहीं लग रही, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज ढेर होके रहेंगे। हालांकि अभी बुमराह भी नहीं था, शामी भी नहीं था, फिर भी इंडिया की बॉलिंग ने इसको कह सकते हैं अन्नी पा दी थी, मतलब कि इतनी जल्दी से पावर प्ले के अंदर 32 पे 3 आउट, उसके बाद आते साथ फिर एक और आउट हो गया, मतलब कि ऐसे ऐसे विकेट इनके घेरे थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि खेले तो खेले कैसे। ये वही इंग्लैंड की टीम है अभी जिसको कह सकते हैं कि टेस्ट मैचेस के अंदर ये T20 की तरह खेल रहे थे और T20 के अंदर T20 की तरह खेलना भूल चुके हैं, मतलब कि इनके हालात आप देख लें अभी इस टीम के अंदर 2 बल्लेबाज इनके और आने, बेन स्टोक हो गए और जॉनी बेयरस्टो, जो कि टेस्ट मैचेस में जिसको कह सकते हैं धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि मतलब कि इंग्लैंड को आज हुआ तो हुआ क्या, क्या इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेलगी या इंग्लैंड बहुत ही गंदा खेलगी, तो इसमें बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का फर्स्ट T20 चल रहा था और इंडिया ने जिसको कह सकते हैं पहले तो बल्लेबाजी करते हुए धुआंधार बल्लेबाजी की, 199 रन का टारगेट दिया जिसको कह सकते हैं एक बड़ा टोटल माना जाता है। हालांकि बात करें तो अभी इंडिया 10-15 रन शॉर्ट सी एंड पे इनसे रन नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद जितनी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है भुवनेश्वर कुमार की, जितनी तारीफ की जाए हार्दिक पांड्या की, मतलब कि पहले तो बल्लेबाजी उसने जैसे कि कहते हैं अन्य वाह, उसने जिसको कह सकते हैं बल्लेबाजी की इतने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, उसके बाद आके जब वो बॉलिंग करने आया ऐसी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या अपने करियर की बेस्ट जिसको कह सकते हैं फॉर्म में चल रहा है, गोल्डन फॉर्म में ये चल रहा है, ये बॉलिंग से भी जिसको कह सकता है गोले निकाल रहा है, बैट पकड़ के भी गोले मार रहा है, मतलब कि बड़ी ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है, मजा आ रहा है हार्दिक पांड्या को देख के। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसको कि पूरा पाकिस्तान में टेलीकास्ट किया जा रहा है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की सीरीज, और बड़ी ही जिसको कह सकते हैं लोग फॉलो कर रहे हैं। ये वाला जो मैच था काफी रात तक चला, अगले मैचेस 6-6 बजे शुरू होंगे। अब ये तो डन हो गया कि इंडिया जिसको कह सकते हैं फेवरेट हो गया सीरीज के अंदर, मेरी प्रेडिक्शन है 2-1 से, लेट्स सी क्या बनता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के मैच की तारीफें करनी बनेगी। सवाल मेरा ये है कि अगले मैच के अंदर कौन से प्लेयर्स को आप बिठाओगे, क्योंकि कोहली भी है, ऋषभ पंत भी है, इसके अलावा बुमराह भी है, जडेजा भी है, श्रेयस अय्यर भी है, 5 जिसको कह सकते हैं इंडियन प्लेयर्स ने टीम के अंदर आना है, लेकिन निकलेगा कौन है? मुझे जो यहां तक लगता है कि दिनेश कार्तिक को बिठा देंगे, उसके अलावा जिसको कह सकते हैं अक्षर पटेल को बिठा देंगे, दूसरी तरफ से अर्शदीप को बिठा देंगे बुमराह की जगह, तो ये तो हो जाएंगे, लेकिन एक और बल्लेबाज की एंट्री कैसी होगी, तो आपने मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है सेकंड T20 के अंदर यही प्लेइंग 11 खेलेगी या जो टेस्ट की टीम आ रही है वो दोबारा आके इस जिसको कहते हैं टीम के अंदर मर्ज हो जाएगी, तो आपने जरूर बताना। और आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई इंडिया की जिसको कह सकते हैं अप्रोच सामने थी, एग्रेसिव बैटिंग करनी, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी, और वही हुआ, जीत गए। रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर एक और T20 अपने नाम कर बैठी है, रोहित शर्मा जब से कैप्टन बने हैं T20 मैचेस में जिसको कह सकते हैं बड़ी ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ा ही मजा आ रहा है इनको। लेकिन नवंबर 2021 से अभी तक 50 नहीं मार सके रोहित शर्मा भी T20 के अंदर, तो सवाल ये है कि रोहित शर्मा कब 50 करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो होप्स आपको भी मैच का मजा आया, अगर आपको मैच का मजा आया जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं, इंशाल्लाह अगले मैच में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान का जैसे कह सकते हैं पब्लिक रिएक्शन भी शूट करेंगे, ताकि जहां पर देखें रात तो काफी हो गई, देखते हैं बाहर निकले, क्योंकि यहां पे ईद है तो रश लगा रहता है बाहर, तो लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको मैच कैसा लगा, तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।